नमस्कार दोस्तों, अमेजिंग एंटरटेनमेंट पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदनलाल आजाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार, और मेरे साथ हैं हमारे राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय अशोक जी मुदगल साहब, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय श्री कंवर सिंह यादव साहब रिटायर्ड सूबेदार, और सुबह हमारी केंद्रीय कोर कमेटी के कुछ और साथी भी उपस्थित हुए थे। जैसा कि आप सबको पता है, आज से लगातार 3 दिन हमारी केंद्रीय कोर कमेटी की मीटिंग चलनी है, और इस मीटिंग का लक्ष्य, इसका उद्देश्य सबसे पहले तो आप सबका भुगतान सुनिश्चित कराना है, देश के 42 करोड़ ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवारों का। उसके बाद हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करना है, और ये चूंकि एक संगठन के माध्यम से होना है, तो संगठन में जो बुराइयां बढ़ गई हैं और बहुत सारी कमियां और कमजोरियां हैं, उन सब पर विचार मंथन चल रहा है, संगठन का परिष्कार करने का निर्णय लिया जा रहा है, और भुगतान काउंटर क्यों नहीं ओपन किए गए और क्यों ठग कंपनीज की ठगी का शिकार बने लोगों से लोगों के आवेदन लिए जा रहे हैं, तो बहुत जल्दी इस पर निर्णय आ जाना है, डिसीजन आ जाना है। तो साथियों, कोई भी साथी तनाव नहीं लेगा, और ये किताब जो है, सब लोग अपने अपने सक्षम अधिकारी को एक एक बुक खरीद के देनी पड़े तो दे दो, दो दो देनी पड़े तो दो दो दे दो, तीन तीन देनी पड़े तो तीन तीन दे दो। जिन साथियों को ये किताब चाहिए, 220 रुपए की है साथियों, कुछ लोग कहते हैं 80 रुपए की है, कुछ 150 की है, ऐसा नहीं है, इस पर मूल्य प्रिंट है। ये 220 रुपए की किताब है। जिन साथियों को चाहिए, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों एडिशन है इसमें, और ये ऑथेंटिक किताब है, बियर एक्ट है, इसमें कहीं कोई गड़बड़ी या हेराफेरी नहीं है। जिनको मंगानी है वो हमसे मंगवा सकते हैं, हम उनको डाक द्वारा ये किताब भेज देंगे। आप अपना पोस्टल एड्रेस भेज देना, किसी साथी ने पहले अगर ऑर्डर किया हुआ है तो वो भी मुझे फोन करके बता दें, चूंकि काफी बिजी रहा हूँ इस दौरान, मैं भेज नहीं पाया हूँ, ये कुछ साथियों का याद है, कुछ का नहीं याद है, तो वो भी अपना बता दें, उनको भी ये कल से डाक द्वारा किताबें भेजनी आरंभ कर दी जाएंगी। और जिन साथियों को और मंगानी है वो भी अपने ऑर्डर कर दें, उनको भी ये किताबें भेज दी जाएंगी। इनमें तमाम प्रोसीडिंग, तमाम फॉर्म्स, तमाम नियम कानून बताए गए हैं कि कैसे आपको आवेदन करना है, और अधिकारियों को भी कैसे प्रोसीडिंग करनी है। तो इसलिए तमाम साथी हमारे इस किताब को जरूर खरीद लेंगे, खास तौर से हमारे वॉलंटियर साथी, चूंकि 144 वॉलंटियर हमारे पास इस वक्त उपलब्ध हैं, और इनमें से हमारे ऐसे वॉलंटियर साथी भी हैं जो पदाधिकारी भी हैं, कोई प्रदेश अध्यक्ष हैं, कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो कोई जिला अध्यक्ष हैं, तो कोई तहसील अध्यक्ष हैं। चूंकि संगठन में बहुत सारे बदलाव किए जा रहे हैं दोस्तों, और हमें ऐसी तमाम रिपोर्ट हैं, हमारे पास एविडेंस हैं कि बहुत सारे हमारे प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी भी हमारे वॉलंटियर नहीं बने हैं। उन्होंने 2000 रुपए खर्च करने की जहमत नहीं उठाई है, कंजूसी दिखाई है, या उनकी मन में कोई और बात है। हो सकता है कई उनमें से इतने गरीब भी हों कि उनके पास 2000 रुपए का जुगाड़ ही ना हो, ये भी संभव है। लेकिन अगर प्रयास करते सच्चे मन से, तो हमारा प्रत्येक पदाधिकारी इतना कर सकता था। चूंकि आपको समझना चाहिए कि कोई भी आयोजन, कोई भी कार्यक्रम, कोई भी आंदोलन जब हम करते हैं, तो उसमें एक बड़ी धनराशि खर्च होती है, बड़ी धनराशि की जरूरत पड़ती है। लेकिन इसे सौभाग्य समझू या दुर्भाग्य समझू के ज्यादातर साथी न तो ये पूछते हैं किसी कार्यक्रम या आंदोलन के बाद के साहब सभी कैसे हुआ, कितना खर्चा हो गया, और न कोई ये पूछता है कि साहब हिसाब नहीं दिया आपने। तो चूंकि साथियों इतना आता नहीं है, हर कार्यक्रम में जितना खर्च हो जाता है तो उसका हिसाब क्या देना है, लेकिन इतनी मौनाकुलता भी ठीक नहीं है। आप सबको इस काम में सक्रियता के साथ भागीदारी लेनी चाहिए। संगठन को पुनर्गठित किया जा रहा है, तो जो हमारे वॉलंटियर्स होंगे वही अब राष्ट्रीय अध्यक्ष भी होंगे, वही प्रदेश अध्यक्ष भी होंगे, वही जिला अध्यक्ष भी होंगे, वही तहसील अध्यक्ष भी होंगे, वही अन्य पदों पर रहेंगे। ये आवश्यक कंडीशन बना दी गई है, चूंकि संगठन का जो बायलॉज है उसमें भी थोड़ा सुधार किया जा रहा है, पुनर्रजिस्ट्रेशन उसका किया जा रहा है, बाकायदा उसका अकाउंट ओपनिंग कर दिया जाएगा, बाकायदा उसको 12A का रजिस्ट्रेशन भी दिलाया जाएगा, इनकम टैक्स से और इनसे उनसे जो भी मतलब सरकारी फॉर्मेलिटीज होती हैं वो सब कराई जाएंगी। चूंकि पूरे देश में इस संगठन के
कार्यालय खुलने हैं साथियों, और वो तमाम कार्यालयों का संचालन हमारे वॉलंटियर्स ही करेंगे, जो संगठन के वॉलंटियर साथी होंगे। तो जिन साथियों ने, हमारे वॉलंटियर साथियों को मैं कहना चाहता हूं कि आपके जो भी निवेशक हैं, ऐसे निवेशक जिन्होंने संगठन की सदस्यता ली है, चाहे 100 रुपए दे के, 500 रुपए लेके, 1000, 1100 या 2100 या 1 रुपया, ऐसे तमाम निवेशक साथियों की लिस्ट बना लेंगे, उनके साइन भी करवा लेंगे, क्योंकि सेंट्रल अथॉरिटीज को जानी है वो। और ऐसे अपने तमाम निवेशक साथियों की लिस्ट बना करके, उस पर उनके हस्ताक्षर करवा करके, आप हमारे संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय अशोक मुद्गल साहब को उनके व्हाट्सएप नंबर 9770389965 पर भेज देंगे। मैं ये नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूं साथियों। और जिन साथियों के आई कार्ड गलत बन गए हैं, हमारे वॉलंटियर साथियों के, कई लोगों ने कहा है साहब मेरे पिताजी का नाम गलत हो गया है, मेरा एड्रेस गलत हो गया है, तो वो सब भी अपने आई कार्ड और अपनी ठीक डिटेल, जो सही हो, जो सही करवाना है, वो डिटेल भी मुद्गल साहब को भेज देंगे, आपके आई कार्ड दुरुस्त कर दिए जाएंगे। और अगर कोई ऐसे साथी हैं जिन्होंने फीस दी हो, वॉलंटियर बने हों और उनका आई कार्ड इशू नहीं हुआ है, तो वो भी अपनी डिटेल मुद्गल साहब को भेज देंगे, आपका आई कार्ड बना दिया जाएगा साथियों। तो मैंने कई सारी बातें बता दी हैं, और तमाम वॉलंटियर साथियों से मैं कहना चाहूंगा साथियों, 144 की संख्या आपकी है और हमें 1000 वॉलंटियर साथियों की जरूरत है इस मिशन भुगतान को कंप्लीट करने के लिए। दूसरे नए साथियों को जोड़ें, साथ साथ सदस्यता अभियान को बहुत तेजी के साथ चलाएं। जो साथी हमारे पहले से सदस्य बने हुए हैं उनकी डिटेल भी भेजें, जो नए बने उनकी डिटेल भी भेजते रहें। और चूंकि हम सेंट्रल, उस पर भी अब सेंट्रल ऑफिस स्तर पर भी तमाम साथियों के नामांकन किए जा रहे हैं, सबकी लिस्टें बन रही हैं, उनकी एंट्रीज की जा रही हैं, तो ये डिटेल्स हमारे पास भी होनी चाहिए। तमाम साथी इस काम को अविलंब कर लेंगे साथी, और जो नए साथी हैं जिनको नई सदस्यता देनी है उनकी पूरी वेरिफिकेशन करेंगे कि वो किसी कंपनी के पीड़ित हैं भी या नहीं भी हैं, और अगर वो नहीं हैं, साधारण हैं, देशभक्ति का उनके अंदर जज्बा है, वो हिंदुस्तान को ठगमग विमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए हमारे संगठन से जुड़ना चाहते हैं, तो उनको भी अब संगठन में जोड़ा जा सकता है, क्योंकि भुगतान की जो प्राथमिक चरण थे वो लगभग अब कंप्लीट हो चुके हैं। भुगतान की गारंटी का कानून बन गया है, सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारी अपॉइंट हो गए, फास्ट ट्रैक कोर्ट बन गई है, और क्या बोलते हैं अपना मामले CBI NIE वगैरह को रेफर होने लगे हैं। बहुत सारी जगह हमारी व्हाट्सएप अथॉरिटीज ने ठगों की कुर्की नीलामी और पीड़ितों का भुगतान भी आरंभ कर दिया है, तो अब ये तमाम चीजें बहुत तेजी के साथ हमको आगे बढ़ानी है और संगठन को इतना विशाल, इतना मजबूत रूप देना है साथियों, इतना मजबूत करना है संगठन को कि आप कहीं एक पत्र भी लिख दे आपके संगठन के लेटर हेड पे जाए तो उसका जवाब देने के लिए, उस पर कार्रवाई करने के लिए प्रत्येक प्रशासक, प्रत्येक शासक बाउंड हो, बाध्य हो। उसे पता रहना चाहिए कि उस संगठन के किसी वॉलंटियर ने पत्र भेजा है जिस संगठन की संख्या लाखों में है, और जो सत्याग्रही संगठन है जो हिंदुस्तान में रहने वाले किसी भी ठग और बेईमान के खिलाफ कुछ भी कर सकता है, उसे सजाए मौत तक दिलवा सकता है। ये आपको अपनी ताकत से सिद्ध करना होगा। तमाम साथी अपनी और अपने संगठन की ताकत को पूरी शक्ति के साथ बढ़ाएं, और 1 जुलाई से पहले पहले मैं चाहता हूं, चूंकि 1 जुलाई से ठगों को मृत्यु दंड का प्रावधान हमारे देश में होने जा रहा है, तो 1 जुलाई से पहले पहले तमाम साथी अपने अपने क्षेत्र में ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जप के कार्यालयों की स्थापना जरूर कर लें, चाहे झुग्गी में ही करें, किसी में फुटपाथ पे करें, कोई घर मिल जाए, कोई दुकान मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, किराए की हो तो कर लें, किराए की ना हो तो अपनी की कर लें, जैसे भी है आपको कार्यालयों की स्थापना जरूर करनी है, ताकि आप अपने क्षेत्र में रहने वाले तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों की मदद कर सकें, क्षेत्र में चलने वाली
इस तरह की ठग कंपनीज और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज पर निगरानी रख सकें, उनकी शिकायत करके उनको बैन करा सकें। साथ साथ अगर कोई अधिकारी सिस्टम में बैठकर बेईमानी कर रहा है, ठगों को बचाने का प्रयास कर रहा है, कोई पोंजी स्कीम चलवा रहा है, निवेशकों के पैसे वापस नहीं कर रहा है आवेदन लेने के बाद, तो उसके भी खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित आप करवा सकें, उस पर निगरानी रख सकें। ये तभी होगा जब तमाम वॉलेंटियर साथी अपने अपने इलाकों में अपने ऑफिस खोलकर बैठेंगे, क्योंकि ऑफिस खोलकर के बैठोगे तो जो पीड़ित होंगे, जिन्हें आपके इस कानून से आपके संगठन से लाभ मिलना है, वो आपके ऑफिस में आकर के आपको बता सकेंगे। आप तमाम साथी रजिस्टर मेंटेन करेंगे, रजिस्टर में बाकायदा दर्ज करेंगे, जो भी आपके पास व्यक्ति आएगा और वो अपनी समस्या बताएगा तो उसके विषय पर पूरा आप रजिस्ट्री करेंगे, रजिस्टर में एंट्री करेंगे और उसका केस संबंधित सक्षम या सहायक सक्षम अधिकारी के यहाँ जाकर के दाखिल करवाएंगे, ताकि जल्दी से जल्दी उसका पैसा वापस मिल सके। मिलते हैं कल, क्योंकि कल और नए साथी आएंगे, उनके साथ जो चर्चा होनी है उस पर आपको जानकारी दी जाएगी। 3 दिन तक लगातार हम यही काम करेंगे, और चूंकि आचार संहिता लगी हुई है, लोकसभा का चुनाव चल रहा है, तो जो हमारी मर्यादाएं हैं उनके अंतर्गत रहते ही ये तमाम काम करने हैं। और इस वक्त दोस्तों प्रशासन स्वतंत्र है, तमाम साथी अपना अपना आवेदन जरूर दाखिल करते रहें, बर्ड्स एक्ट के तहत भुगतान का, अपने निवेशकों को जागरूक करते रहें, उन्हें बताएं कि बर्ड्स एक्ट 2019 का एक कानून है जो आपके भुगतान की जमा राशि की 2 से 3 गुना वापसी की गारंटी आपको प्रदान करता है। आप सब लोग इस एक्ट के अंतर्गत अपने अपने भुगतान के दावे दाखिल करें। साथ साथ जो पोस्ट कार्ड पर भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में आपके भुगतान के वचन को पुनर्जीवित करने के लिए या कहें यादाश्त में बनाने के लिए, पार्टी के घोषणा पत्र में इस विषय को सम्मिलित करवाने के लिए आप सबको एक पोस्ट कार्ड भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम जरूर भेजना है। आपके क्षेत्र से जो भी साथी चुनाव लड़ाएं, बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों या किसी और पार्टी के, उनको भी आपने वही मैटर देना है कि इस विषय पर आप बात करें, इसको प्रमुखता से अपने घोषणा पत्र में स्थान दें और वचन दें कि यदि आप सदन में गए, सत्ता में पहुंचे, तो आप हमारा भुगतान प्राथमिकता के आधार पर हमारी जमा राशि का 2 से 3 गुना 180 दिन में कराएंगे। तो इस अभियान को रुकने नहीं देना है साथियों, तमाम लोग पूरी ताकत के साथ, जोश और उल्लास के साथ इस कारवां को आगे बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।